श्रीगंगानगर में गांव चक 4 DOL के किसान शिव प्रकाश भादू ने जैविक खेती में अपनी पहचान बनाई है। रावला तहसील में ये पहले किसान हैं जो इस तरह की जैविक खेती कर अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। किसान शिव प्रकाश भादू 4 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। वे जमीन में किसी प्रकार की रासायनिक खाद व कीटनाशी का उपयोग नहीं करते। अब 2 सालों से तो जैविक खाद घर पर ही तैयार करके फसलों में उपयोग किया जा रहा है। खेत में मूंग की फसल खड़ी है जो बिल्कुल जैविक है। मूंग की फसल को सुंडी व चिड़ी तोतों आदि से नुकसान होता है। ऐसे में मूंग की फसल में बनाई मेड़ पर बाजरी के पौधे लगा दिए। इसका फायदा ये हुआ कि चिड़िया आदि मूंग की फसल के बजाय बाजरी के पौधों पर बैठ जाते हैं। वहीं फसलों में पड़ने वाली लट, सुंडी आदि को भी चिड़िया आदि खा जाती हैं। इससे फसल का बचाव हो जाता है। कीटनाशी आदि का छिड़काव करने पर पक्षी खेतों में नहीं आते। यही कारण है कि जैविक खाद का उपयोग करने पर पक्षी ज़्यादा आते हैं, जो कि फसलों में पड़ने वाले कीड़ों, सुंडियों आदि को खा जाते हैं। इनका रीजन है जी, ये जो खेती है, एक मैं जैविक ऑर्गेनिक भाषा में कहूँ तो ये इसको मिश्रित खेती भी कह सकते हैं, संयुक्त खेती भी कह सकते हैं और मल्टी क्रॉप्स भी कह सकते हैं। पहले जैसे हमारे बुजुर्ग थे वो नरमा बीजते थे, तो नरमे के बाहर चारों साइड में अरहर बीजते थे ताकि उसमें रोगों का प्रकोप कम हो अंदर। तो इसके चारों साइडों में जब ये बाजरा लगाया हुआ है और अंदर भी कुछ बाजरा डाला हुआ है इसके अंदर, तो इसके अंदर बाजरे की जब सीटियाँ हैं, इन सीटों पर अब चिड़ियाँ आ रही है। चिड़ियाँ आ रही है तो चिड़ियाँ इसके अंदर जो लट वगैरह सुंडी वगैरह पड़ती है तो वो उनको वो चट कर जाती है, वो फसल को बचाती है उसमें, इसी रीजन से ये डाला गया है। इस बार की गई गेहूं की खेती भी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा अच्छी रही। इसका उत्पादन भी बेहतर रहा। वहीं रासायनिक खादों से तैयार गेहूं से इस गेहूं का भाव 1 से 1,500 रुपये ज़्यादा मिलता है। भादू के घर में पाले जा रहे पशुओं के लिए भी चारा भी जैविक बोया जा रहा है। उनके यहाँ साहिवाल व राठी नस्ल की 4 गाय रखी हुई हैं। गोवंश के गोबर का इस्तेमाल गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। इससे गैस मिल जाती है। वहीं गोबर गैस से निकला सलरी का इस्तेमाल फसलों में किया जाता है। किसान ने खेत में डढ़ेरन व ढांचू नाम से जाना जाने वाली पौधे की खेती भी की है। इससे हरी खाद बनाई जाती है जो जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाएगी। रावला मंडी श्रीगंगानगर से कृष्णकांत सोनी की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।